शिव जी माता सती भी है। तो फिर माता सती ने मन में सोचा, माता सती बीच में बैठ गई, श्री राम जी ने संपूर्ण ऐश्वर्य का दर्शन करवा दिया। मैया सती ने फिर सोचा कि ऐसा है कि ऐसा करूं कि एक शिव जी अगर यहाँ पर बैठे हैं तो एक माता सती तो मैं हूं, मैं यहाँ पर आ गई हूँ, तो ऐसा करूं कि मैं यहीं से इनके पास में बैठ जाऊंगा और भगवान से कह दूंगा कि मैं कहीं भी परीक्षा लेने के लिए नहीं गई थी। तो श्री राम जी ने कहा है, प्रभु का कहना है कि या तो मेरे पीछे चलो और अगर मुझसे आगे निकलने की कोशिश करोगे तो मैं, देखो श्री राम जी का एक नियम है कि उनके पीछे चले तब तक तो ठीक है, और लेकिन अगर उनके आगे चलने की कोशिश की तो श्री राम जी का कि फिर मैं उसके पीछे पड़ जाता। कई लोग है ना जो नहीं मानते हैं प्रभु श्री राम जी को, तो फिर बीमार करते हैं उसको, हॉस्पिटल में एडमिट होता है, फिर डॉक्टर लोग कह देते कि हमने हमारी तरफ से तो पूरी कोशिश कर ली है भैया, हमारे बस की बात नहीं है, अब आप ऊपर वाले से प्रार्थना करो। तो ऊपर कोई दूसरे काका जी तो बैठे नहीं है, श्री राम जी है ना ऊपर। तो श्री राम जी ने कहा कि सीधे नहीं मानोगे तो कोई बात नहीं, सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है तो मैं टेढ़ी कर लेता हूँ। तो श्री राम जी ने कहा कि जो मुझसे आगे निकलता है मैं उसके पीछे पड़ जाता हूँ। तो माता सती ने होशियारी करी कि शिव जी यही है तो मैं शिव जी के पास में यहीं पर बैठ जाऊंगा। तो श्री राम जी ने कहा कि अच्छा मुझसे आगे निकल रही है। तो श्री राम जी ने जैसे माता सती ने दोबारा आँख खोली और देखा तो जहां जहां भी शिव जी थे वहां माता सती पहले से विराजमान है, एक भी सीट खाली माँ को नहीं मिली है। अब मैया घबराई कि अब मैं कहां जाऊं, मेरा तो कोई स्थान ही नहीं बचा है, जहां जहां भी शिव जी है वहां वहां पर सती माँ पहले से विराजमान है। अब माँ सती तेज गति से भागती है, तो मैया सती जब भाग करके गई, शिव जी आराम से ध्यान में बैठे हुए थे, नेत्र खुले और सती माँ को ध्यान से नीचे से ऊपर तक बार बार देखे जा रहे भगवान शिव जी, और गौर से देख करके कहा कि सती आप प्रसन्न तो हो, ठीक हो ना, कुशल समाचार पूछा है। अब कुशल समाचार किससे पूछा जाता है, जो रोगी रहता है जो बीमार रहता है उसे पूछा जाता है कि आप ठीक तो हो, लेकिन माता अभी तक साथ में है पर अब पूछ रहे हैं कि आप ठीक तो हो ना, तो समाचार क्यों पूछा, माँ क्या बीमार थी, पर फिर भी शिव जी ने पूछा है कि आप ठीक तो हो ना। तो मैया सती ने कहा कि हाँ मैं तो ठीक हूँ। भोले बाबा ने कहा जो ठीक है ठीक हो तो ये बताओ कि परीक्षा कैसे ली है, और जैसे भी परीक्षा ली है सती बिल्कुल सत्य बताना, झूठ मत बोलना। तो क्या भगवान शिव जी को पता था कि झूठ बोलेगी, ऐसा इसलिए पूछा भगवान शिव जी ने क्योंकि भोले बाबा जानते हैं कि जो हमेशा झूठ बोलता है उसको तो झूठ बोलने का इतना अभ्यास होता है कि वो बड़े बड़े कांड करके आ जाता है मगर चेहरे पर सिकन तक नहीं आती है, उसको सफाई हो जाती है। जैसे जो चोरी करता है उसके हाथ में बहुत सफाई रहती है, पास में बैठ करके वो जेब काट लेगा पता नहीं चलेगा। तो जो चोर रहता है जो झूठ रहता है जो दिन रात झूठ बोलता है उसको अभ्यास रहता है, लेकिन जो सत्य बोलने वाला है लेकिन गलती से कभी फंस जाए किसी गलती में और गलती से गलती कर ले और गलती में उसको झूठ बोलना पड़े तो बेचारा झूठ तो बोलेगा लेकिन उसका चेहरा अलग जाएगा, उसकी आंखें अलग जाएगी, चेहरे पे पसीना आ जाएगा, जीभ अलग जाएगी, भाव अलग जाएंगे, माने वो भले ही झूठ बोले लेकिन उसके उसके शब्द उसको पकड़ा देते हैं कि झूठ बोल रहा है। तो माता सती पतिव्रता नारी हर बार झूठ थोड़ी बोलती है, लेकिन पहली बार गलती हुई है इसीलिए माँ को पसीना आ रहा है, घबरा रही है। तो भोले बाबा ने कहा कि जो हालत हो रही है ना इसको देख करके तो लग रहा है कि पक्के में झूठ बोलेगी, तो ये झूठ ना बोले उससे पहले इसको सावधान कर दे कि देखना जैसे जैसे परीक्षा ली बता देना झूठ नहीं बोलना है। तो मैया ने सही में भी क्या कहा, कछु ना परीक्षा ली है प्रे
अरे झूठ मत बोलना, बिल्कुल सही सही बता दम क्या है। मैं थोड़ा पास में जाकर के प्रणाम करके आ गई हूँ, बाकी मैंने कोई परीक्षा नहीं ली है, प्रणाम ही किया है आपने थोड़ा दूर से किया, मैं थोड़ा पास से करके आ गई। तो भोले बाबा ने कहा कि अच्छा, बुद्धि तभी तक आ सकती है कि गुरु के पास में हो, गुरु से दूर जाने के बाद में बुद्धि आती है कि जाती है। तो मेरे पास में थी, मैं बार बार कह रहा था कि ईश्वर है ईश्वर है, तो तुम अपना ही भाषण झाड़ रही थी कि भगवान नहीं है ईश्वर नहीं है, और मुझसे दूर जाते ही तुम्हें इतनी बुद्धि आ गई, इतना विवेक आ गया कि तुम जाकर के प्रणाम ही करके आ गई डायरेक्ट। तो भगवान शिव जी ने कहा कि पक्के में ये बात झूठ लग रही है। शिव जी ने जैसे ध्यान करके देखा तो माता सती ने जो जो काम किया था भोले बाबा को सब पता चल गया। शिव जी उदास हो जाते हैं कि सती परीक्षा लेने गई थी, चलो कोई बात नहीं, उस अपराध के लिए तो आपको क्षमा मिल सकती थी, लेकिन फिर भी देवी मैंने कहा था कि विवेक को संभाल करके परीक्षा लेना, सती तुमने सबसे पहले विवेक को ही किनारे पर कर दिया है। अगर विवेक को तुम संभाल के परीक्षा लेती तो विवेक तुम्हें कह देता कि अगर परीक्षा लेना है तो जानकी जी का स्वरूप मत धारण करो, कोई और स्वरूप भी तो धारण करके परीक्षा ले सकती थी, लेकिन विवेक को किनारे कर दिया तो आपके जो विचार है वो बिना विवेक के हो गए और आपने जानकी का स्वरूप धारण कर लिया, और वो भी स्वरूप जानकी का धारण किया है, और श्री जानकी को मैया को मैं अपनी माँ समझता हूँ, श्री राम जी को मैं अपना पिता समझता हूँ, तो मेरी माँ का स्वरूप धारण करने के बाद में सती तुम्हारा ये जो शरीर है ये मेरे लिए माँ के समान वंदनीय हो गया है, अब मैं इसको पत्नी के रूप में कैसे स्वीकार करूं। तो भोले बाबा मन ही मन में चिंता में डूब जाते हैं कि मैंने कहा था विवेक को संभाल के परीक्षा लेना, लेकिन इन्होंने सबसे पहले विवेक को ही किनारे किया। शिव जी ने मन ही मन में चिंतन किया कि अब करे क्या, सती को मैं अपना नहीं सकता क्योंकि इनका जो शरीर है ये मेरे लिए वंदनीय हो गया है, और अगर इनको त्याग करूं, ये पतिव्रता नारी है। तभी भगवान शिव जी ने मन ही मन में चिंतन किया है, तब संकरी प्रभु आकाशवाणी द्वारा भगवान ने प्रशंसा की कि धन्य हो महादेव, आपके समान भक्ति का मान कौन रख सकता है। और ये सुनते ही भगवान श्री महादेव जी मन ही मन में सोचने लगे कि प्रभु आपको ये आकाशवाणी करने की क्या जरूरत थी, मैंने त्याग किया तो मैं जानू आप जानू, ये बीच में आपने घोषणा क्यों करी, क्योंकि आपने घोषणा कर दी अब ये पूछेगी कि आपने क्या किया है आपने क्या किया है, तो मैं बता भी नहीं सकता और नहीं बताऊंगा तो ये रहेगी भी नहीं। और हुआ भी यही कि माता ने तुरंत पूछना शुरू कर दिया कि बताइए कि आपने ऐसा क्या त्याग किया है, ये बताइए कि आपने ऐसा क्या त्याग किया है। तो भगवान शिव जी ने इधर उधर की बातें करते करते पूरा समय बिता दिया। कैलाश धाम में भगवान श्री महादेव जी पहुंचे और महादेव जी अखंड समाधि में लीन हो गए। भोले बाबा ने सोचा कि फिर फ्री बैठूंगा ये फिर मुझसे पूछेगी और मैं बता नहीं सकता इसीलिए, और मैं कथा कहूँ तो कथा में इसका मन लगता नहीं है। तो भोले बाबा ने कहा कि ऐसा करें कि बाहर हम रहे नहीं, अखंड समाधि में भगवान शिव जी लीन हो जाते हैं। माता सती बार बार प्रार्थना करती है क्योंकि जैसे ही भगवान शिव जी के पास में माता सती जब आई थी तो वाम भाग से आसन को हटा करके शिव जी ने सामने रख दिया था कि इस पर बैठो, तो आसन की जब अदला बदली हुई तो माता सती जान गई कि निश्चित रूप से ये मेरा स्थान नहीं, मेरे साथ में संबंध भगवान शिव जी ने तोड़ दिया है, क्योंकि पत्नी अगर समझते तो वाम भाग में बैठाते, लेकिन प्रभु ने वाम भाग से मेरा स्थान हटा दिया, मेरा आसन हटा दिया, इसका मतलब मेरा त्याग हो चुका है। दोनों हाथ जोड़ करके मैया करुणा में डूबते हुए कहती है कि विधाता, जिस ईश्वर ने भगवान शिव जी ने जिस शरीर को त्याग दिया है उसको रख करके करे क्या, ये
कृपा करियो और ये शरीर मेरा छूट जाए ऐसी कृपा करो। तो विधाता ने सामने प्रकट होकर के कहा कि मैया ये मेरे कोर्ट की फाइल होती तो मैं आज ही इस केस को सॉल्व कर देता, कुछ ना कुछ ऊपर नीचे हो करके मैं कर देता समाधान, लेकिन आपसे अपराध अखिल ब्रह्मांड के अधिपति श्री राम जी का हुआ है मैया, इसलिए आपको यह सजा मिली है, तो आपको प्रार्थना भी श्री राम जी से करना पड़ेगा। तो शिव ब्रह्मा जी कह करके अंतर ध्यान हो गए और माता दोनों हाथ जोड़ करके बार बार प्रार्थना करती है कि प्रभु जिस शरीर को प्रभु ने त्याग दिया है, महादेव जी ने त्याग दिया है, उस शरीर को रखने से कोई भी मतलब नहीं है। दोनों हाथ जोड़ करके माता प्रार्थना करती है श्री भगवान श्री राम जी से, संसार के लोगों जब तक धन पद ज्ञान रहेगा आपके विद्रोही भी आपको प्रणाम करेंगे, और जिस दिन ये सारी चीज चली जाएगी उस दिन आपका साया भी आपका साथ छोड़ देगा, इसीलिए चाहे सुख हो चाहे दुख हो हर समय श्री प्रभु को याद करना चाहिए। दुख में तो सभी याद करते हैं लेकिन सुख में सब भूल जाते हैं, इसलिए तो दुख आता है। जिसने दुख में सुमिरन कर लिया तो फिर दुख कभी आएगा ही नहीं, सुख हमेशा, जिसने सुख में याद कर लिया तो जीवन में कभी दुख आएगा नहीं। तो माता सती दोनों हाथ जोड़ करके प्रभु से प्रार्थना करती है कि प्रभु ये जीवन रहना नहीं चाहिए, जिस जीवन में प्रभु ने त्याग दिया उस जीवन को रख करके करूँगा क्या। तो माता प्रार्थना करती है प्रभु से, जय जय सिया राम बोलो, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम बोलो, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम बोलो, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम बोलो, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम बोलो, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम बोलो, जय जय सिया राम बोलो, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम बोलो, जय जय सिया राम।
प्रार्थना करती है कि प्रभु जिस शरीर को भगवान ने स्वीकार नहीं किया है उसको मैं रख करके करूंगा क्या। रोज प्रार्थना करती है, लगभग 87,000 वर्ष की साधना के बाद में शिव जी का ध्यान टूटा। श्री राम बोले लगे, मैया सती दौड़ करके आई, शिव जी ने तुरंत आसन को सामने पधरा दिया। बोले सती बैठो, मां सती सामने बैठती है और शिव जी जान गए कि मैं फिर ऐसे ही बैठूंगा तो फिर ये पूछेगी कि आपने उस समय क्या त्याग किया था, क्या ऐसा काम किया था कि देवताओं को प्रशंसा करना पड़ा। तो इसीलिए डबल डबल कौन ये सब बात में फंसे, भगवान शिव जी ने वापस कथा सुनाना शुरू किया है। अब शिव जी कथा को सुना रहे हैं लेकिन माँ का मन तो कथा में कभी लगता ही नहीं है। तो मैया बिना मन से कथा तो सुन रही है, अब भोले बाबा ने शुरू कर दिए तो सुनना तो पड़ेगा। उसी समय राजा दक्ष को प्रजापत की पदवी ब्रह्मा जी ने प्रदान की थी और जैसी प्रजापत की पदवी ब्रह्मा जी को मिली, ब्रह्मा जी ने राजा दक्ष को प्रदान की, उसी समय राजा दक्ष के मन में अहंकार आ गया, अभिमान आ गया है। श्री रामचरित मानस बताता है कि ज्ञान पद और धन ये तीन चीज पाना फिर भी सरल है लेकिन इन्हें पचाना बहुत कठिन है। तीनों में से एक भी चीज अगर आ जाए तो वो भी नहीं पचती है और बाय चांस अगर किसी में तीनों ही चीज आ जाए तो फिर उसका क्या हो। ज्ञान धन पद तीनों चीज आना सरल है पचाना कठिन है। तो श्री राजा दक्ष के मन में पद का अभिमान आ गया, यज्ञ का आयोजन किया, सबको निमंत्रण दिया लेकिन शिव जी को जानबूझ करके निमंत्रण नहीं दिया है। क्यों? क्योंकि शिव जी से प्रतिशोध लेना है इसलिए शिव जी को निमंत्रण नहीं दिया है। अपराध क्या है शिव जी का? केवल इतना है कि ब्रह्मा जी की सभा लगी थी, सारे लोग, राजा दक्ष जब आया तो सब खड़े हुए, भगवान शिव जी खड़े नहीं हो पाए। तो राजा दक्ष को क्रोध आ गया और इतने अपशब्द भगवान शिव जी को राजा दक्ष ने बोला है। देखो जिसको अभिमान रहता है वो अभिमानी व्यक्ति जब सभा में आता है तो जितने लोग खड़े रहते हैं खड़े पर उसकी दृष्टि नहीं होती है, उसकी नजर कहाँ पड़ती है कि हजार लोग अगर खड़े हैं तो उनके बीच में अगर एक भी गलती से बैठा होगा तो बैठे हुए पर उसकी नजर ज्यादा पड़ती है कि देखो सारे लोग खड़े हुए पर इसको देखो ये गधे की तरह बैठा ही है, मेरा सम्मान नहीं कर रहा है, ये अभिमानियों की पहचान है। राजा दक्ष के सम्मान में सब खड़े थे, शिव जी ध्यान में थे, नहीं खड़े हो पाए, परंतु इसका ध्यान बार बार शिव जी पर गया है कि देखो इसने मेरा अपमान किया है। और राजा दक्ष ने उस सभा में बहुत अपशब्द बोले शिव जी को, लेकिन आज तक भगवान शिव जी ने माता सती को उड़ाना नहीं दी है। इधर जब कथा चल रही है तो देवताओं को निमंत्रण कार्ड दिया था तो देवता लोग अपने अपने वाहन पर बैठ करके जा रहे हैं कहां पे, राजा दक्ष के महल में। तो अब नीचे चलने वाले वाहन तो ठीक है भाई हिसाब से चलना पड़ेगा नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा, पर आकाश वाला जो विमान है वो तो थोड़ा तो इधर उधर हो सकता है ना। लेकिन विमान निकाल करके जा रहे हैं कहां से, ना इधर से ना उधर से, जहां कथा शिवजी माँ को सुना रहे हैं वह उनकी खोपड़ी मतलब ऊपर से ही विमान को निकाल करके जा रहे हैं, इधर उधर नहीं हुए, ऊपर से जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि देवता लोग जानते हैं कि इनको निमंत्रण नहीं दिया है और इनके रिश्तेदार है और हमें बुलाया है, इसलिए चिढ़ाने का ईर्ष्या का जो स्वभाव है ये मानव में नहीं रहता है, ये आकाश वालों के पास में भी रहता है थोड़ा बहुत। देवताओं ने कहा कि इनको नहीं बुलाया ना तो इनको थोड़ा सा चिढ़ाएंगे। तो रास्ते से निकले, मैया का मन तो कथा में पहले ही लगता था,
माँ ने तुरंत कहा ये सब कहाँ जा रहे हैं। बोले बाबा ने कहा ये जहाँ भी जा रहे जाने दो, तुम तो ध्यान से कथा सुनो। माँ ने कहा ना ना मुझे पूछना है। बोले क्या पूछना, मुझे पता है। माँ ने कहा मैं अभी आती हूँ पूछ करके। दौड़ करके गई तो देवताओं ने विमान नीचे उतरवाया। देवताओं की पत्नियां भी थी, बड़ी बंठन करके जा रही थी, जोर जोर से गीत अलग गा रही थी। माता सती को देख करके अभिनय कर रही, अरे आप यहीं पर हो, कहाँ जा रही हो। बोले आपके पिता के वहां यज्ञ का आयोजन है, आप नहीं गई, आपको तो 8 दिन पहले जाना चाहिए था वहां पर। जबकि इनको पता है कि राजा दक्ष ने इनको इनके विरोध के लिए ही यज्ञ किया, पर जान पूछ के पूछ रही कि आपको तो 8 दिन पहले जाना चाहिए था। जैसे संसार के लोग एक दूसरे को उलाना देते हैं ना, एक दूसरे की इंसल्ट होती है कि इनके रिश्तेदार हैं, इनका सम्मान कम करते हमारा ज्यादा करते, देखो हमारी इज्जत कितनी ज्यादा है। तो यही काम देवताओं की पत्नी उनका, आपको तो 8 दिन पहले जाना चाहिए था, आप तो यही घूम रही हो। माता सती दौड़ करके आई शिव जी के पास में, कहने लगी बाबा प्रभु ऐसा है कि मुझे तो पिता के घर जाना है। क्यों जाना है? बोले यज्ञ का आयोजन है। बोले बाबा उनका देवी जाना चाहिए पर हमारे घर निमंत्रण नहीं भिजवाया तुम्हारे पिता ने। तो मैया ने कहा कि ऐसा है, माता पिता के घर भी क्या निमंत्रण कार्ड चाहिए, बिना निमंत्रण के नहीं जा सकते। तो भोले बाबा उनका माता पिता के घर ही नहीं, 5 जगह पर बिना बुलाए जा सकते हो। कौन सी 5 जगह? पहली माता पिता के घर, दूसरा मंदिर, तीसरा गुरु जी के घर, चौथा सखा के घर और 5वां श्री भगवान की कथा में बिना बुलाए जा सकते हो। लेकिन फिर भी देवी इन 5 जगह में भी कहीं आपके जाने से विरोध की संभावना हो तो फिर आप घर पे रहो, क्योंकि वहां जाओगे विरोध होगा, उनका भी मूड खराब होगा, आपका भी खराब होगा, इससे अच्छा है कि घर में ही बढ़िया है। तो मेरा विरोध करते हैं आपके पिता, क्योंकि ब्रह्मा की सभा में सबने सम्मान किया, मैं थोड़ा खड़ा नहीं हो पाया तो आपके पिता नाराज थे। माता सती मायके की बुराई कहां सुने माता है। मैया ने तुरंत संभाली, बोले सही तो बात है, पिताजी आए तो सब खड़े हुए, आपको होना चाहिए था खड़ा। बोले अब देवी गलती हो गई हो तो भूतकाल में हुई थी, वर्तमान में कर क्या सकते हैं। तो बोले ना फिर भी मैया ने बहाना किया है, अब किसी भी बहाने जाना तो है। तो माँ ने बहाना किया कि नहीं नहीं निमंत्रण जरूर भेजा होगा मेरे पिता ने, पर 2 कारण से मिला नहीं है। क्या 2 कारण है? बोले पहला कारण तो यह है कि निमंत्रण कार्ड देने वाले आए तो होंगे बेचारे, पर आप इतने ऊंचे पहाड़ पर रहते हो तो वो ऊंचे चढ़ करके पहुंच नहीं पाएंगे, बेचारे थक गए होंगे तो आधे ही पहाड़ पर चढ़ के वो कार्ड नीचे फेंक गए होंगे। बोले अच्छा। और दूसरा कारण है कि वो ऊपर तक भी आ गए होंगे, परंतु महाराज इतने भूतों के बीच में आप रहते हो तो भूतों के बीच में रहने की हिम्मत तो आपकी हो सकती है महाराज, यहाँ तो एक भी भूत अगर सामने आ जाए तो सिट्टी पिट्टी गुल हो जाए, कोई भूतों का सामना कर पाए। तो महाराज इसलिए बेचारे डर के मारे भाग गए होंगे। मैया ने बात बनाई है कि ये कैसे भी हाँ कर दे। तो भोले बाबा ने कहा ठीक है, पर फिर भी मेरा मन कहता है कि तुम मत जाओ। तो माँ कहा मानने वाली, माँ ने कहा ना मुझे तो जाना है। माता सती तुरंत अपने गणों के साथ में चलती है। राजा दक्ष ने कठोर आदेश दिया था कि कोई भी इनका सम्मान नहीं करेगा, माँ का सम्मान वास्तव में किसी ने नहीं किया है। और मैया तुरंत जैसे मंडप मर आई, चारों तरफ देखा, किसी ने सम्मान नहीं किया, तो माँ ने कहा कोई बात नहीं, मायका है, नहीं भी किया है तो चलेगा। पर जब यज्ञ मंडप में मैया आई तो यज्ञ मंडप में देखा कि सबका भाग रखा हुआ है, सबको निमंत्रण दिया है, केवल भगवान भोले बाबा को नहीं दिया है। माता सती को क्रोध आता है कि पति ने जो त्याग कर दिया उसे भी बढ़कर के दुख तो मेरे पिता ने मुझे दे दिया है, पति का अपमान करके मेरे प्रभु ने रोका, मैं रुकी नहीं। माता ने दोनों हाथ जोड़ते हुए वहां बैठे हुए साधु महात्माओं से कहा कि मेरे पिता की बुद्धि तो अहंकार में भ्रष्ट हो गई थी, लेकिन तुम्हारी बुद्धि को क्या हो गया है? आपको मेरे पिता को समझाना चाहिए था, लेकिन आप लोगों की बुद्धि को क्या हो गया? आप नहीं जानते हो कि शिव जी का भाग निकाले बगैर दुनिया का कोई भी यज्ञ संपन्न नहीं होता है। इसीलिए माता सती ने कहा कि आप लोगों ने गलती की है तो अति शीघ्र परिणाम को भोगोगे। और माता सती रोते हुए पिता के पास में गई और पिता से कहा कि पिताजी जब बेटी को ससुराल में कोई दुख होता है तो वो तुरंत ही सोचती है कि मायके चली जाऊं, थोड़ा सा मेरा दुख बताऊंगा अपने मायके वालों से तो दुख कम होगा, लेकिन आपके जैसा अगर पिता किसी को मिल जाए तो वो बेटी जिंदगी में कभी सुखी नहीं रह सकती है, वो मायके में भी सुखी नहीं रह सकती है। और माता सती ने तुरंत श्राप दिया है, सुना हो सभा सदी सकले मुनी कहीं सुनी जी ने संकर।
पछताऊं, भली भांति पछताऊं।